हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं अपना टिपिकल इंडियन आर्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो इस तरीके की चीज़ें आप ऑनलाइन आप लोगों ने देखा ही होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है MDF पे DIY करना, इस तरीके का आर्ट करना, बट मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दो बार से मैं वीडियो पोस्ट करने में लेट हो जा रही हूँ। पहले तो जर्मन की क्लासेस चल रही थी और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा लास्ट वीक बीमार थी, इस वजह से मैं DIY नहीं बना पाई। बहुत पसंद है मुझे वो DIY करना, तो ये बहुत आसान होता है। जिन्हें नहीं भी पेंटिंग आती है, नहीं भी कोई आर्ट स्किल्स है, वो भी इस तरीके का खुद से डेकोर पीस बना के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये MDF कटआउट मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके के फेस्टिव वाले DIY अभी क्यों बना रही हूँ मैं। तो ये दीपावली के टाइम पे जब मैं सबके वीडियोस देख रही थी, तो मुझे इतना ज़्यादा इसके लिए हो रहा था कि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हो सकती थी। तो लकीली उस टाइम पे मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस ट्रिप पर इंडिया, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था कि उनके साथ आ जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे भी जाना पड़ा था, वो रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो तभी मैंने ये लिया था और तब से मेरे पास ये रखा हुआ था। तो अभी तक मैं अपनी कहानी सुना रही थी, ये नहीं बताया कि किया क्या था। तो उस पर मैंने एक कोट जेसो का कर दिया और जेसो अच्छे से सूखने के बाद मैं इसके ऊपर ये पर्ल कलर लगा दिया है। तो ये पर्ल कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसमें ये ब्लू वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी ख़त्म हो चुका था। तो उसी टाइम पे मैंने अपना सारा ये क्राफ्ट, जितने भी देख रहे हैं ये सारा, तब उस टाइम पर ही मैंने ऑर्डर किया था। और जब मैं वहाँ से जनवरी में वापस आई थी, तो तब से इन सबको मैंने संभाल के रखा हुआ था। और पेंट अच्छे से सूख जाने के बाद इसे थोड़ा मैंने मिरर से डेकोरेट किया है। तो इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा दीपावली पे देख रही थी ऑनलाइन, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी मैं कैसे करूं, तो उनमें से ये मेरा फेवरेट था। और आगे मैं दिखाऊंगी उसका कि फाइनल लुक कैसा था। नेक्स्ट DIY के लिए अगेन ये MDF बोर्ड ले रही हूँ, इसके ऊपर भी एक कोट जेसो का अप्लाई कर दिया है मैंने एंड जेसो को अच्छे से सूखने देंगे। उसके बाद ले रही हूँ मैं ये मोल्डेड क्ले और क्ले के दोनों कंपोनेंट को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा सा डो बना लेंगे एंड उसके ऐसे पतली पतली सी इवन स्ट्रिप्स बनानी है हमें, कहीं से मोटी कहीं से पतली ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये बर्तन साफ करने वाला जो स्पंज है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उससे बहुत अच्छे से रोल होता है। कहीं से ऐसे मोटा पतला टेढ़ा मेढ़ा सा नहीं होगा, बहुत अच्छे से हो जाता है, तो वो ही यूज़ कर रही हूँ मैं। और फेविकोल ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर मैंने स्टिक कर दिया है। तो मैं दो लाइन कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पेंसिल से मार्क कर लिया था कि मुझे कहाँ पर पेस्ट करना है। और जब ये इस तरीके से टूट जाती है ना स्ट्रिप्स, तो इसे हम वापस से लगा देंगे और पानी की हेल्प से इसको अच्छे से मर्ज कर देंगे एक दूसरे से, तो बहुत अच्छे से हो जाता, वो कहीं से भी जॉइंट ऐसे नज़र नहीं आता। हम पानी की हेल्प से इसे इवन कर सकते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने टेक्सचर क्रिएट कर दिया है। अब अच्छे से हम उसे सूखने देंगे, जो क्ले वर्क किया है उसको अच्छे से सूखने देंगे। तो एक रात के लिए मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए और दूसरे दिन ये काम कर रही हूँ। तो उसके ऊपर मैंने जेसो लगा दिया, जहाँ पर क्ले वर्क किया था वहाँ मैंने जेसो लगा दिया। और उसके बाद ले रही हूँ ये येलो कलर, ये सेंटर में कर दिया है मैंने। तो ये मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, सेंटर में थोड़ा सा ऑरेंज दिया है मैंने और
वो ब्रश से बहुत अच्छे से मर्ज नहीं हुआ था, तो मैंने उसे फिर स्पंज की हेल्प से दोनों कलर लाइक कभी येलो कभी ऑरेंज इस तरीके से करके लिया, तो बहुत अच्छे से ये मर्ज हो गया था और बहुत ही प्यारा सा कलर आया था। लाइक कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आया, शायद कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिख रहा हो। और ये जो ब्लू कलर इस पर अप्लाई कर रही हूँ, ये मैंने यहीं स्विट्ज़रलैंड में ही बाय किया था, ये ऑलरेडी मैं अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और जो क्ले पार्ट है उसके ऊपर एक कोट एक्रेलिक कलर का वाइट से कर दिया है, ताकि जहाँ पे भी थोड़े बहुत से कलर जैसे येलो किया था लग गया ब्लू कलर, तो वो बिल्कुल इवन सा एक लुक आ गया। और उसे सूखने के लिए छोड़ दिया है मैंने। सूखने के बाद दो कोट मैंने वार्निश का किया था, एंड उसके बाद अब थोड़ा सा मिरर वर्क करेंगे। तो मुझे ये आर्ट, इस तरीके का आर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मज़ा आता है मुझे लाइक मिरर वर्क और ये सब। बट ये जितने भी क्राफ्ट हैं इन्हें मैं बचा के यूज़ करती हूँ कि ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ऐसी चीज़ें जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मिलती नहीं है। तो ये मिरर वगैरह सब मैंने वहीं से परचेज़ किया था, एक बॉक्स लिया था, इसमें काफ़ी सारे शेप्स के हैं, बहुत सारे शेप्स में हैं। तो उसमें से पहले मैंने ये ट्राइंगल वाला स्टिक किया, इसके साथ मुझे ग्लू भी मिला था, उसी ग्लू से मैंने स्टिक किया है। तो दो शेप का लिया था, उन दोनों को लगा दिया है मैंने। आपके ऊपर है, आप जैसे भी उसे स्टिक करना चाहते हैं। तो बहुत ही हैवी सा अच्छा सा लुक आया था, बहुत अच्छा सा। और ये जो अंकल है राम राम सा वाले, इन्हें मैंने अपने पहले DIY में आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, क्योंकि जब इन्हें मैं कहीं ऐसे सेपरेटली वॉल पर स्टिक करती थी तो डर लगता था कि वो कभी टूट ना जाए, गिर ना जाए। तो उसको अच्छा सा लुक देने के लिए एक बैकग्राउंड मिल गया। और ये जब मैं बाहर इस तरीके से शूट करती हूँ तो बहुत ही अच्छा सा कलर दिखता है, सनलाइट में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और ये रहा घर के अंदर का इसका फाइनल लुक, इस तरीके से मैंने इसे वॉल पे डेकोरेट किया है। मुझे पर्सनली टिपिकल इंडियन आर्ट एंड कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत सारे ऐसे इंस्टा पेज हैं जो कि आर्ट सप्लाई सेल करते हैं, उन्हें मैंने कॉन्टैक्ट भी किया है, मुझे नहीं मिल पाती ऐसी चीज़ें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।